हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेल में वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ बुक्स के नेम हैं, कुछ लैंग्वेजेस के नेम हैं, बल्कि बुक्स के नहीं बल्कि लैंग्वेजेस के नेम हैं, और ये जो है वर्टिकली लिखे हुए हैं, इनको हॉरिजॉन्टल बनाना है, यानी कि लाइन वाइज एक यहाँ पर आए, एक यहाँ पर आए, एक यहाँ पर, ऐसे करना है। तो एक्सेल में क्या कोई ऐसा तरीका है? तो देखिए, सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, न सिर्फ एक्सेल में बल्कि अन्य भी स्प्रेडशीट में बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर इसे सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, और फिर यहाँ पर जब आते हैं, जहां पर भी चाहिए ये डेटा, वहां पर जाकर के आप पहले अल्ट प्रेस कीजिए, फिर ई प्रेस कीजिए, फिर एस प्रेस कीजिए। जैसे ही ये प्रेस करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरह की जब विंडो ओपन होगी तो यहाँ पर ट्रांसपोज ऑप्शन दिखेगा आपको, ट्रांसपोज पे जाइएगा और ओके कर दीजिएगा। तो देखिए, ये जो है हॉरिजॉन्टल वे में आ चुका है डेटा, आपका देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डेटा हॉरिजॉन्टल वे में आ चुका है। लेकिन क्या जब कोई अन्य स्प्रेडशीट, जैसे कि यहां पर मैंने ओपन किया WPS ऑफिस, तो क्या ये यहां पर भी काम करेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल काम करेगा। कैसे? अल्ट सी कीजिए और फिर यहां पर आइए, यहां पर हमें डेटा चाहिए, तो अल्ट ई और एस प्रेस कीजिए और ये ओपन होता है, और यहां से आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है और ओके कर देना। तो देखिए, यही चीज सेम यहां पर भी अप्लाई हो गया, आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।